देखिए, ये अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर तकरीबन 90 कुली काम करते थे, और कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, कोरोना महामारी जब से फैली है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। उसके बाद से ट्रेनों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और उसका परिणाम ये है कि जो अजमेर में 90 कुली अपनी सेवाएं देते थे, इन कुलियों को अब बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास किसी प्रकार का रोजगार इस वक्त नहीं है। हालात ये हैं कि अब से कुछ दिन पहले जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी, तभी जो रेल की यूनियन है अजमेर के अंदर, उन यूनियन से जो कुल परिवार हैं, परिवारों के लिए लगभग 10 दिन की राशन की जो सामग्री है, सूखी सामग्री, वो वितरित की थी। लेकिन अब लॉकडाउन का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो लॉकडाउन जब 0.0 लागू हुआ, उसके बाद से स्थिति इतनी विकट इन परिवारों पर हो चुकी है कि अब इनके घर में जो सूखा राशन होता है उसकी कमी पड़ने लग गई है, वो खत्म हो गया है, और अब इनको खाने का जो सामग्री, राशन की जो सूखी सामग्री है उसका इंतजार है, उसकी व्यवस्था इनके पास नहीं है। जो नकदी है वो नकदी की व्यवस्था भी अब इन लोगों के पास में नहीं है, और ऐसे में अब इन्होंने सीधे तौर पर अजमेर के जो DRM है उनसे ये मांग की है कि या तो इनके लिए किसी प्रकार के आर्थिक पैकेज देकर इनको राहत दी जाए, और या फिर रेलवे के स्तर पर इनके लिए सूखी सामग्री की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके, किसी प्रकार से इनके घरों में, इनके परिवारों के अंदर भुखमरी जैसी स्थिति ना हो। और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी मांग की है। 90 में से 90 जो कुली हैं, वो तमाम 90 कुली आज नहीं आए हैं मांग के लिए, लेकिन उनके जरिए तमाम लोगों ने बातचीत कर कर फैसला किया, और तय कुछ संख्या के अंदर कुली जो लोग हैं, जो ये तमाम जो साथी हैं, जो लोग के DRM से इन्होंने मांग की है, उनको मांग पत्र दिया है, और इस मामले में केंद्र सरकार से और रेल मंत्रालय से भी सीधे तौर पर दखल देने की मांग की है कि जितने भी कुली परिवार हैं उनके ध्यान के लिए रेलवे और केंद्र सरकार और जो मंडल है वो ध्यान दे, और इन परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए किसी प्रकार से इनके यहाँ पर राशन की दिक्कत ना हो, उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें। हमें साहब यहाँ पर रेलवे स्टेशन के हम समस्त कुली हैं, हम यहाँ पर 80-90 कुली हैं, और हम हमारी गाड़ियों के यात्रियों के आने से ही हम हमारी रोजी रोटी कमाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे परिवार को, घर को पालते हैं। अब गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, हमारे सारे कुली बिल्कुल हताश और असहाय होकर बिल्कुल बैठ गए हैं। इन्हें कोई भी कमाने का साधन नहीं रहा, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपको पहले बीच में कोई खाना भी वितरण, सूखी सामग्री वितरण हुई थी? हमें बीच में एक बार हमारी यूनियन द्वारा हमें 1 हफ्ते का खाना दिया गया था, वो हमारा सब खत्म हो गया है। अब हम उसको लिए बैठे बैठे दूसरे से किसी से उधार सुधार भी मांग कर हमारा घर चला रहे हैं, तो उधार वाला भी हमें कब तक उधार देगा? आखिर में उसको चुकाने के लिए हम किस परवश से उसको चुकाएंगे? देने वाला भी ये सोच रहा है कि इनका जब धंधा बंद हो गया तो उनको उधार देंगे तो ये चुकाएंगे कैसे? इसलिए हमारे को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्यों, रेलवे से कभी मांग करी आपने? अब हम इसीलिए हम बिल्कुल हताश और असहाय होके, नर्वस होके हम हमारे DRM साहब से अब जाना चाह रहे हैं, और उन्हीं से मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे कार्य, हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे मालिक हैं रेलवे के, अजमेर डिवीज़न के। हम उनसे हमारी मांग रखेंगे कि हमें आर्थिक सहायता, नगद राशि या हमें सूखी सामग्री दी जाए। जब तक लॉकडाउन नहीं हटे पूर्णतया से, तब तक हम समस्त कुलियों को, हमारे को आर्थिक सहायता, नगद राशि या सूखी सामग्री, राशन की हमें देने के प्रबंध करें, और हमारी यह मांग रेल मंत्री तक पहुँचाएँ। नहीं, रेलवे को आज लॉकडाउन को 1 महीना मान के चलो, 1 महीने में क्या DRM ने आपकी एक बार? अभी लॉकडाउन हुए करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है, हमने DRM साहब से भी, और हमें रेलवे सरकार ने, रेलवे ने या हमारे रेलवे डिवीजन ने हमें आज तक किसी भी 1 पैसे का भी कोई मदद नहीं दी, ना हमसे कभी पूछा गया कि आप कुली कैसे हो, कैसे नहीं है। हम जैसे तैसे करके हमारा जीवोपार्जन कर रहे हैं। अब हम रेलवे से मांग कर रहे हैं कि हमारे को हमारे आर्थिक सहायता की मदद करी जाए। आज किसके पास जा रहे हैं? आज हम हार कर हमारे DRM साहब, रेलवे डिवीजन अजमेर DRM ऑफिस जा रहे हैं, और उनको हमारा मांग पत्र देंगे, जो सभी कुलियों हमारे साथ जा रहे हैं। और कोई मांगे नहीं मानते DRM से, या कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम आगे क्या करोगे? अगर हमारी मांगे आगे इस कार्रवाई नहीं हुई, तो हम इसके लिए और ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे, रेल मंत्री, रेल प्रशासन से लड़ाई करेंगे। जब समस्त
पूरा भारत के लिए नरेंद्र मोदी मोदी द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक गरीबों के लिए सहायता दी जा रही है, उनके खाते में पैसा पहुंचाया जा रहा है, उनको राशन पहुंचाया जा रहा है, तो क्या हम कुली गरीब नहीं है या हम बेरोजगार नहीं है? इस टाइम हमारे घरों को किस तरह से चला रहे हैं हमारा दिल जानता है। हम एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं, हमारे को हमारे घर हमारे बच्चों को समझा के रखना पड़ता है। हम नहीं मानेंगे तो हम आगे रेल मंत्री तक पहुँचेंगे। आपका नाम? अशोक जाटव, रेलवे स्टेशन अजमेर।